कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। कहते विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखाने बिड़ियों मोक्षों द्वारा। कहते विनय ही मोक्ष का द्वार है और विनय से सब कुछ मिलता है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा हो वहाँ ज्ञान मिलता है, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ ज्ञान मिलता है, जहाँ नम्रता हो वहाँ मान मिलता है और जहाँ योग्यता हो वहाँ स्थान मिलता है। लेकिन ये तीनों चीजें जिसमें हो उसे हर जगह सम्मान मिलता है, उसे हर जगह सम्मान मिलता है। आज हर जगह मान की लड़ाई है, लेकिन मैं कहती हूँ जब अपनों से हो जंग तो जीत से हार अच्छी होती है, अपनों से जंग हो तो जीत से हार अच्छी होती है। लास्ते से किसी ने कहा था कि तुम अकेले में रहते हो तुम्हें सम्मान कहाँ मिलता है, तुम गांव में चलो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। उसने कहा मैं सम्मान में रहता हूं, मुझे यहाँ खूब सम्मान मिलता है। उसने कहा सम्मान को है सम्मान करेगा। उसने कही अब अपमान की चिंता ही छोड़ दी तो जो रह गया वो सम्मान ही रहेगा। उसने कहा लोगों ने तुम्हारी कदर करेंगे तो उसने कही हमने बेकदर और कदर के में फर्क ही छोड़ दिया तो जो है सब कदर ही कदर है, लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ध्यान रखना इसीलिए कहा है कि विनय हो तो परिवार में समाज में राष्ट्र में व्यापार में हर जगह आप लोग कितनी विनय करते हैं, लेकिन ये जो विनय करते हैं वो लौकिक विनय है। क्योंकि सच्ची विनय तो आत्मा को परमात्मा बनाना है और सच्ची विनय जो करता है उससे ना हिंसा होती है ना झूठ होती है ना चोरी ना कुशील ना परिग्रह, क्योंकि वो किसी की आत्मा को किसी प्रकार से दुख नहीं देना चाहता है। और जो ऐसा व्यक्ति होगा जो दुख नहीं जाना चाहेगा वो न किसी से वचन से गलत बोलेगा न मन से गलत सोचेगा और न काया से किसी से गलत क्रिया करेगा, गलत उसको प्रताड़ना देगा वो हिंसा से बच जाएगा। वचनों से मीठे बोलेगा हित मित प्रिय बोलेगा तो सत्य वचन का पालन हो जाएगा। जब किसी का बुरा नहीं चाहेगा तो चोरी नहीं करेगा, अपहरण नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा तो सब स्वस्थ और शांत रहेंगे। जब जीव नम्रता होगी तो सिर्फ रहना भी पड़े तो परिवार के पीछे संसार को स्वीकार करेगा, मजबूरी में दवाई की तरह संसार को स्वीकार करेगा तो घर में रहते हुए निर्जरा करेगा। और जब अंदर में नम्रता होगी तो किसी से गलत नहीं बोलेगा और गलत परिग्रह ज्यादा आसक्ति नहीं होगी तो परिग्रह प्रमाण व्रत भी अपने आप पल जाएगा। क्योंकि कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल और हीरा मुख से ना कहे बड़ो घमारो मोल। अधजल गगरी छलकत जाए, आपने देखा होगा जिस पे नया नया पैसा होगा तो उछाले मारेगा, उसको ऐसा लगेगा कोई देख ले कि मेरे पास ये चीज है। और जो गंभीर व्यक्ति होगा ना उसे ज्यादा अच्छाई में ना बुराई में उसे तो पता है कि ये सब
कहते हैं एक बार एक फकीर के पास एक सम्राट गया और कहने लगे आप ऐसा आशीर्वाद दो कि कोई आपत्ति आए तो मुझे कोई मंत्र दे दो जिससे आपत्ति से बच जाऊं। तो वो कहने लगा एक मंत्र दे दिया और ताबीज में बंद करके रख दिया है। जिस समय तुम देखो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो उस समय ये मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हें बिल्कुल तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है। अचानक किसी राजा ने उस पर चढ़ाई की और वो भाग गया, अपने प्राण बचाने के लिए भाग गया और भागा तो जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे सैनिक लगे थे। वो जैसे तैसे करके एक पत्थर के नीचे शिला के नीचे छुपा कि कोई देख ना ले। और उसी समय उसे याद आया कि इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है, एक तो राजगद्दी तो छूट गया अब मार ओढ़ देंगे मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। और उसने वो ताबीज में से मंत्र खोला और पढ़ा, उसमें लिखा था ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब से ध्यान है कि ये विपत्ति भी नहीं रहेगी, शायद हो सकता बच जाओ। और परमात्मा का नाम लेने लगा। सैनिकों को वो दिखा नहीं, सैनिक आगे से निकल गए लेकिन वो गुफा के नीचे था तो उसे दिखा नहीं। लेकिन आया थोड़े दिन बाद फिर सेना आदि इकट्ठी की, फिर राज्य पर चढ़ाई की। उसे फिर याद आया कि उनने कहा था कि हर समय में तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने कहा कि देख लो एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वहां जान बचाए थे और यहाँ पर ये अच्छा देखो क्या होगा। अभी जाते जाते राज्य में जा रहा हूं तो सिंहासन के पहले इसको एक बार और पढ़ लो, इसी के कारण काम बन जाते होंगे। फिर उसने पढ़ा, वो लिखा तो एक ही शब्द था, ये भी नहीं रहेगा। उसके अंदर समता आई कि यदि विपत्ति नहीं रहेगी तो संपत्ति भी नहीं रहेगी। जा वसुदा काहू की ना भई। भरत चक्रवर्ती आपको पता है जिस समय बाहुबली दीक्षा को जाने लगे तीन युद्धों में हार गए, भरत तीन युद्धों में हार गए थे और वो युद्ध भी नरसंहार नारियों की बुद्धि का परिणाम था जो बच गया। नंदा और सुनंदा ने मंत्रियों से कहा था कि कैसी बात करते हो, अरे दोनों लड़ेंगे तो सेना चाहे भरत की मरे चाहे बाहुबली की मरे सेना तो ऋषभदेव की होगी, सेना तो उन्हीं की है। दो लोगों में बंटवारा होने से सेना नहीं बटती, सेना तो सेना नरसंहार क्यों कराते हो, अरे दोनों महारथी हैं दोनों को आपस में समझौता का कोई रास्ता निकालो। पर आप सबको पता है नम्रता थी उनके अंदर बाहुबली के की तीन युद्ध में मल युद्ध में भी जीतने के बाद नीचे नहीं डाला था, ऊपर ही हाथ में लिए रहे थे। और कहते हैं जब वैराग हो गया तो भी अहंकार में नहीं गए कि देख ले तुझे पछाड़ दिया ना, कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं संसार को देख लिया इसका क्या मान करना इस तन का भी। और आपको पता है लेकिन वचन ऐसे होते हैं अभिमान युक्त वचन। भरत के कुछ नागरिकों ने कुछ सेनापति सारथी आदि ने कहा था कि जाओ जाओ कहां जाओगे, अरे जब आर चरिया को आओगे बिहार करोगे कुछ करोगे तो चक्रवर्ती की भूमि है, आना तो इन्हीं की भूमि पर पड़ेगा। और वो शब्द शल्य नहीं कह सकते क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी शल्य नहीं होती, उन्हें इतनी ऊंचे साधक को कैसे शल्य होगी। लेकिन कहते हैं आहार कोई नहीं उठे, भूखे नहीं रहे अपने जैसी कसाई में नहीं रहे कि लड़ाई हो जाए तो खाना ही छोड़ दे, नहीं लेकिन आहार चर्या कोई नहीं उठे इतने लीन हो गए, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं अहंकार नहीं लेकिन फिर भी कोई शब्द ऐसे चुप जाते हैं जो कहते हैं कुछ भी हो जाए निकलते नहीं है। और फिर भरत जी ने जाकर निवेदन किया था जा वसुधा काहू की नहीं भाई, ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई, बड़े बड़े लोग चले गए आप क्यों, आप साधना करो हमारी भी नहीं आपकी भी नहीं। पर कहते केवल ज्ञान हो गया था, हमें विचार करना है कि ये अहंकार ये मान बड़े बड़े चक्रवर्तियों को बड़े बड़े सम्राटों को जितने प्रथमानियों के दृष्टांत देखेंगे जितने प्रति नारायण आदि होते हैं नारायण बच जाते हैं प्रति नारायण उस युद्ध में मर जाते हैं वो किस चीजों के पीछे होते हैं अहंकार के पीछे। ये स्त्री अच्छी है मुझे चाहिए,
ये घोड़ा अच्छा है मुझे चाहिए, हाथी अच्छा है मुझे चाहिए, वे वजह पर ये नर्तकी अच्छी है मुझे चाहिए, बताओ कोई वजह है मरने की? लेकिन नहीं, ये मान ऐसा होता है कि मार कर रख देता है। और विनय महाधारे जो प्राणी, या उसे अहंकार की बात नहीं है, अहंकार के बाद जो मार दबाता है उसके बाद भी जो विशिष्ट गुण तीर्थंकर प्रकृति में कारण है वो है विनय। विनय व्यक्ति नम्रशील होता है। आपने देखा तूफानों में बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं, जो सीधे होते हैं उनके फर्नीचर बन जाते हैं, लेकिन जो नम्र होते हैं वो घास कभी टूटता नहीं है। घास तूफान आए आंधी आए झुक जाता है, इसलिए बच जाता है। और जो अकड़ता है वो टूट जाता है। हम भी अकड़ेंगे तो टूट जाएंगे, हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारी समाज टूट रही है, हमारे देश टूट रहे। क्या अहंकार ही तो है? आज इतनी देश में त्राही त्राही मची है, अभिमान के कारण तो मची है। आज हमने अहंकार के कारण, इसको लोग कहते हैं हमें स्वाभिमान, हमने की काहे का स्वाभिमान? स्वाभिमान हो तो आत्मा का स्वाभिमान होना चाहिए, कि इस आत्मा को और अहंकार के कारण मार्दव गुण नहीं आने के कारण कितना भटकाया है। कहते हैं उत्तमा सात्म चिंता चा दे चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। पर की चिंता करना बेकार है। आप कहोगे हम तो पर की करते नहीं, लेकिन ये क्या है? तन उपजत अपनी उपज जान तन नसती आपको नाश मान। ये भी तो अहंकार है। मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, मैं दीन हूं, मैं निर्बल हूं, मैं सबल हूं, ये सब अहंकार है। अहंकार के कारण आदमी नीच गति में जाता है। तो हमें क्या करना है? डॉक्टर सॉरी बोल दे तो खेल खत्म, डॉक्टर सॉरी बोल दे तो खेल खत्म, और इंसान इंसान से सॉरी बोल दे तो झगड़ा ही खत्म। समझ गए? क्योंकि डॉक्टर बोले तो सॉरी, मन मर गए आदमी समझो, वो सॉरी बोल रहे उसका मतलब कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ आदमी कह दे सॉरी तो झगड़ा खत्म हो जाए। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आतुरता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह अव्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से गए है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आतुरता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500525, IFS कोड ICICI00250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड़ मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरन लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।